स्टूडेंट्स, मैं रूबी सिंगाठिया और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 जो है कैसे कब और कहाँ। इतिहास का ये चैप्टर है और इतिहास की बुक मैंने आपको बताई थी क्या नाम है उसका, हमारा अतीत पार्ट। आप देख लीजिएगा कि कौन सा वो पार्ट है। अब उसका जो है पार्ट सेकेंड हम करने वाले हैं, यानी जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, उसका पहला आधा भाग हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं और आगे का आधा हिस्सा हम पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। मैंने आपको बता दिया था इतिहास के बारे में हमने पढ़ लिया, तारीखों के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया, तारीखें कौन सी महत्वपूर्ण होती हैं, इतिहास में हम तारीखों के अलावा क्या क्या पढ़ते हैं, इसके अलावा जेम्स मिल ने हमारे भारतीय इतिहास को किन किन 3 भागों में बांटा था, उसके इस विभाजन में क्या क्या समस्याएँ आई थी, ये सारी की सारी चीज़ें हमने वहाँ पर समझ ली थी। इस चैप्टर में मैं फिर से बता दूँ कि इतिहास की जो समझ है वो आपको विकसित करनी है, उसके बाद धीरे धीरे हम इतिहास को पढ़ेंगे, क्या घटनाएं हुई थी, कब कब हुई थी, कैसे कैसे हुई थी, सारी की सारी चीज़ें हम बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझने वाले हैं, आपको बहुत ही मज़ा इसमें आने वाला है। अब इसी के साथ जो है यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये जो हमारा चैप्टर था कैसे कब और कहाँ, वहाँ पर हमने ये भी पढ़ा था कि जेम्स मिल जो है उन्होंने ये बताया था कि जो अंग्रेजी शासन था उसी की वजह से भारत में वृद्धि हुई, विकास हुआ, उससे पहले तो भारत जो है वो अंधविश्वासों और कुरीतियों में फंसा हुआ था, वहाँ पर ऊंच नीच की भावनाएं होती थी, बस इसी में लोग जो उलझ करके रह जाते थे, बाल विवाह कर दिया जाता था, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, तो ऐसा कुछ उन्होंने बताया था। लेकिन उनका जो ये क्लासिफिकेशन है कहीं ना कहीं ये जो विभाजन है उसको थोड़ा सा गलत माना गया था। और मैंने आपको बताया था कि चैप्टर में 9 ही क्वेश्चन थे, पूरे चैप्टर को 9 क्वेश्चन के माध्यम से हम कंप्लीट करेंगे और इसमें से हमने वहाँ पर 5 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए थे, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन, यानी 4 क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। इन 4 क्वेश्चन के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन पढ़ने हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें वाले हैं। अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जेम्स मिल ने तो ये विभाजन कर दिया, लेकिन ये विभाजन ठीक ठाक नहीं रहा था। अब देखा जाए कि बाकी के जो इतिहासकार थे उन्होंने भारतीय इतिहास को किन किन भागों में बांटा है, और उसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं कि भारत के इतिहास को जो इतिहासकार है उन्होंने 3 और भागों में बांटा था। अब आप कहेंगे 3 और भागों में बांटा था, यानी कि इनके इनमें नहीं बांटा था, जो हिंदू मुसलमान और ब्रिटिश शासन जो जेम्स मिल ने बांटा था ना वो तो क्रॉस हो गया, इसके अलावा और 3 भागों में बांटा था वो कौन से थे, यानी कि इसको नहीं अपनाया और किसी विभाजन को अपनाया, और वो कौन से हिस्से थे कि सबसे जो पुराना इतिहास है उसको तो बोला गया कौन सा, प्राचीन इतिहास। देखिएगा इसको क्या बोला गया, इसको तो बोला गया प्राचीन इतिहास। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, पुरानी सभ्यताओं की जब बात करते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, जब लोग शिकार किया करते थे, फल फ्रूट जो है खा करके अपना गुजारा किया करते, थोड़ी बहुत कृषि हुआ करती थी, थोड़ा बहुत पशुपालन हुआ करता था, बस वहीं तक। उसके बाद जो है दूसरा रहा मध्यकालीन इतिहास, दूसरा रहा मध्यकालीन इतिहास, यानी दूसरा हिस्सा किसको माना गया, मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास राजा महाराजाओं के समय का काल रहा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और तीसरा काल जो है वो रहा आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। और आधुनिक इतिहास किसको माना गया, जब अंग्रेज भारत में आ गए थे, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इन ये जो 3 हिस्से हैं, इतिहासकार भारत के इतिहास को इन 3 हिस्सों में बांट करके पढ़ते हैं, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। लेकिन ये जो 3 हिस्से हैं इनको और कई नामों से जाना जाता है, जैसे प्राचीन इतिहास को तो वैदिक काल और इन सब नामों से जाना जाता है, वो हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में अभी तक नहीं है। मध्यकालीन इतिहास जो है उसको भी हम इस जो हमारा 8th क्लास का सिलेबस है उसमें नहीं पढ़ने वाले, हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक इतिहास को। हम किसको पढ़ने वाले हैं, आधुनिक इतिहास को, यानी अंग्रेज कैसे आए, अंग्रेजों ने भारत पर शासन कैसे जमाया, कैसे भारतीयों को इन्होंने गुलाम बनाया, फिर कैसे भारतीयों ने इनको भगाया भारत से, ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, आधुनिक इतिहास वाला पोर्शन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। लेकिन मध्यकालीन इतिहास जो है वो कौन से काल को कहा गया, ये आपकी बुक में क्वेश्चन बनता है।
तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, प्राचीन इतिहास के बारे में तो नहीं पूछा गया, ये पूछा गया है कि आपने मध्यकालीन इतिहास में किस कालखंड को रखा है। क्वेश्चन क्या है कि मध्यकालीन इतिहास में किस कालखंड को रखा गया है। क्या आपने, सिंपल सी बात है कि मैंने आपको बताया कि राजा महाराजाओं के जो भी समय थे, जब अनेकों राजा महाराज हुए, मुगल साम्राज्य हुआ, खिलजी साम्राज्य हुआ, सैयद वंश हुआ, तुगलक वंश हुआ, तो ये जब वंश हुए, जब राजा महाराजा एक दूसरे पर युद्ध करके जो है राजकाज चलाया करते थे, तो वो मध्यकालीन इतिहास में आता है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। लेकिन मध्यकालीन इतिहास को मध्यकालीन इतिहास क्यों कहा गया, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। तो इस काल में क्या था कि इस काल में भारत में तो युद्ध वगैरह हुआ करते थे। भारत में अभी तक लोग तलवारों से, भालों से लड़ रहे थे। लेकिन जो यूरोप के लोग थे इस समय, यूरोप के लोग जो थे, इन्होंने बंदूकें बना ली थी, इन्होंने तोपें बनाना सीख लिया था। इसका मतलब क्या था कि मध्यकालीन इतिहास में भारत में ऐसी कोई भी विचारधारा नहीं पनपी थी कि वो विज्ञान के क्षेत्र में शोध करें, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े, तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़े, ऐसा भारत में तो कुछ नहीं था। लेकिन यूरोप के जो लोग थे, तभी तो यूरोप ने, जो इंग्लैंड है वो आकर के जो है पूरे जो है पूरी दुनिया में इंग्लैंड ने अपना शासन स्थापित कर लिया था, भारत को गुलाम बना लिया था। वो बहुत ही ताकतवर थी। क्यों? क्योंकि उनके पास विज्ञान की शक्तियां थी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन ये आएगा कि मध्यकालीन समाज से आप क्या समझते हैं। तो मध्यकालीन समाज का मतलब क्या है, इतिहास का वह हिस्सा या मध्यकालीन समाज उस समय को कहा गया है जब यूरोप में विज्ञान लोकतंत्र मुक्ति तथा समानता जैसी भावनाएं पनप रही थी। यूरोप में तो कौन कौन सी चीज़ें थी, यूरोप के लोग विज्ञान पर काम कर रहे थे, लोकतंत्र पर काम कर रहे थे कि लोगों की सरकार होनी चाहिए, समानता की बात कर रहे थे, सभी में समान अधिकार होने चाहिए, विज्ञान की बात कर रहे थे, लोकतंत्र की बात कर रहे थे, समानता की बात कर रहे थे, और इसी के साथ साथ जो है आज़ादी की बात कर रहे थे कि सभी को जो है अपने देश में सभी को आज़ाद रखेंगे। ये जब यूरोप के सारे लोग कर रहे थे, तब भारत के अंदर ऐसी कोई भी विचारधारा नहीं पनपी थी। उसको आप कौन सा इतिहास कहोगे, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन समाज या मध्यकालीन समय कहेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी राजा महाराजाओं का जो काल रहा, वहाँ पर राजा महाराजाओं ने ना तो विज्ञान पर कार्य किया, ना उन्होंने लोकतंत्र, राजा महाराजाओं को लोग वोट दे करके चुनते थे क्या, नहीं चुनते थे। समानता होती थी क्या, नहीं होती थी। ऊंच नीच की भावना होती थी, राजवंश के लोग बड़े होते थे, नीची जाति के लोग हुआ करते थे। और आज़ादी होती थी क्या, नहीं होती थी। जो राजा कहता था वही उनको मानना पड़ता था। तो ये चारों चीजें भारत जब काम नहीं कर रहा था, उस चीज को, यानी उस इतिहास को क्या कहा गया, मध्यकालीन इतिहास कहा गया। सिर्फ आपको समझना है, ये बहुत ही आसान चीजें आपने पहले से समझ रखी है, बस आपको थोड़ा सा इनको जो है टेक्निकल तरीके से समझना है, बस चैप्टर हमारा यही कहता है। इस चैप्टर में आप इतिहास को अच्छे समझ जाएंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें। हाँ, कहीं कहीं हम बहुत गहरे भी उतर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम बहुत गहरे उतर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो सेकंड चैप्टर आएगा उसमें हमें साफ साफ ये पढ़ना है कि किस तारीख को कौन सी घटना हुई, कैसे कैसे अंग्रेज आए, कैसे कैसे गुलाम बनाया, बस वही चीज़ें, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें होंगी वो। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आधुनिक इतिहास के ऊपर। नेक्स्ट जो है कि आधुनिक इतिहास यानी अंग्रेजों का जो काल रहा, उसे एक नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है औपनिवेशिक काल। क्या नाम दिया गया है, औपनिवेशिक काल, इसको नाम दिया गया है औपनिवेशिक काल। तो आपके माइंड में आएगा कि आधुनिक इतिहास को औपनिवेशिक काल क्यों कहा गया है। उपनिवेश क्या होते हैं,
उपनिवेश क्या होते हैं? कि जब कोई एक देश दूसरे देश को गुलाम बना लेता है और वहाँ उस देश को अपन इस तरह से चलाता है कि अपने देश को फ़ायदा हो। अब ये कहेंगे ये तो चीज़ हमें समझ में नहीं आई, तो इस चीज़ को हम समझते हैं कि ये तो है जी हमारा भारत। थोड़ा सा हम इसको जो है रफली हैंडमेड मैप बना करके थोड़ा सा समझ रहे हैं। इस तरह का जो है हमारा भारत है, तो ये तो है इंडिया, और इधर मान लीजिए कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है ब्रिटेन या इंग्लैंड, ब्रिटेन या इंग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर किसका शासन है, इंडिया पर किसका शासन है, ब्रिटेन का। ब्रिटेन इंडिया में आ करके इस तरह से शासन चला रहा है कि लाभ इंडिया को ना पहुँचे, लाभ किसको पहुँचे, ब्रिटेन को पहुँचे। आपको पता है ना अंग्रेजों ने भारतीयों पर बहुत जुल्म किया, वहाँ यहाँ से सस्ता सामान खरीद करके लेकर जाते थे और वहाँ पर महंगा बेचते थे, यहीं से सस्ता खरीद करके धागा लेकर के जाते थे, वहाँ पर कपड़ा बना करके लेके आते थे और यहाँ पर वही कपड़ा महंगे दामों में बेचते थे। यानी यहाँ से जब खरीदते तब तो सस्ता खरीदते, यहाँ पर बेचते तब महंगा बेचते, यानी कि टोटल फायदा किसको हो रहा था, ब्रिटेन को हो रहा था। यानी जब एक देश, यानी कि सिंपल सी बात है कि जब किसी देश में राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक बदलाव आते हैं लेकिन किसी दूसरे देश के दबाव में आकर के, कि जब भारत के अंदर आर्थिक का मतलब रुपए पैसे में अंतर आया, यहाँ पर लोगों ने धागे बनाने बंद कर दिए थे, यहाँ पर कपड़ा बनाना इन्होंने पूरा बंद कर दिया था, ये कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ धागे बनाओ, सॉरी धागे नहीं बन गए थे, यहाँ पर धागे बनते थे, यहाँ पर धागे बनाओ, कपड़े यहाँ पर नहीं बनाए जाएंगे, कपड़े बनेंगे ब्रिटेन में और ब्रिटेन से कपड़े आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम कपड़े बेचेंगे, तभी तो इनके विरोध में गांधी जी चरखा चला रहे थे। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? तो यहाँ पर बदलाव हुआ ना किसी चीज़ का, और पूरे भारत में अनेकों बदलाव हुए, और ये बदलाव का दबाव किसने डाला, ब्रिटेन ने डाला। तो भारत जो था वो ब्रिटेन का गुलाम था, ये कह सकते हैं, या फिर औपनिवेश था। तो औपनिवेश का मतलब क्या होता है, कि जब किसी देश में दूसरे देश के दबाव के कारण परिवर्तन आते हैं, बदलाव आते हैं, तो उस काल को, उस शासन को क्या बोला जाता है, औपनिवेशिक काल बोला जाता है। तो फटाफट से क्वेश्चन फिर आप डालेंगे कि औपनिवेशिक का अर्थ क्या है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7th रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 7th क्या रहेगा, ये रहेगा कि औपनिवेशिक का अर्थ क्या है। हमारा ये तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 6th तो मध्यकालीन इतिहास हो गया कि जब यूरोप विज्ञान लोकतंत्र समानता और आज़ादी की बातें कर रहा था लेकिन भारत में ऐसी कोई विचारधारा नहीं पनपी थी तो उस काल को हमने मध्यकालीन इतिहास कहा था। हमारा 7th क्वेश्चन ये है कि औपनिवेशिक काल से आप क्या समझते हैं, तो जो आपने समझा वही आपको लिखना है। क्या लिखेंगे हम, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। बस यही चैप्टर आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, आगे के चैप्टर में तो बस स्टोरी है। लिखेंगे कि जब एक देश में दूसरे देश के दबाव तथा कुटिल नीतियों, दूसरे देश के दबाव तथा कुटिल नीतियों के कारण राजनीति बदल रही थी ना, पहले कौन अधिकार कर रहे थे, राजा महाराजा, फिर वो अधिकार धीरे धीरे किसके हाथों में आ गए, अंग्रेजों के। तो राजनीतिक, दूसरा आप लिखोगे आर्थिक, पहले भारतीय ठीक ठाक थे, सोने की चिड़िया हुआ करती, धीरे धीरे कंगाल कर गए हमें अंग्रेज, तो आर्थिक। तीसरा हम लिखेंगे सामाजिक तथा सांस्कृतिक बदलाव आए, पहले क्या पहना करते थे, धोती कुर्ता पहना करते थे, अंग्रेजों के आने के बाद क्या पहनने लगे, बिल्कुल आपको पता है क्या पहनने लगे, हमारी जो पोशाकें हैं वो बदल गई, पाश्चात्य संस्कृति को हमने अपना लिया, अंग्रेजों के कपड़े पहनने लगे, सिंपल सी बात। कुटिल नीतियों के कारण राजनीतिक आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक बदलाव आते हैं,
तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, अंग्रेजों के काल को भारत में कौन सा काल माना जाता है, औपनिवेशिक काल माना जाता है या औपनिवेशीकरण का काल माना जाता है, औपनिवेशीकरण का काल माना जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में सब पुराने थे, मध्यकालीन इतिहास राजा महाराजों का काल था जब दुनिया के सारे लोग विज्ञान, लोकतंत्र, समानता और आज़ादी पर काम कर रहे थे, लेकिन हमारे वाले राजा महाराजा आपस में लड़ रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट औपनिवेशिक काल आया, आधुनिक इतिहास आया जब अंग्रेजों ने हमें लूट खाया, लूट करके ले गए हमें। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट जो है हमारे यहां पर आता है कि जब अंग्रेज यहां पर आए थे तो उससे पहले क्या हुआ करता था कि यहां पर अनेकों कुरीतियां थी। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब है कि नेक्स्ट अगर पूछा जाए आपसे, क्योंकि बात इतिहास की चल रही है, हम अंग्रेजों के बारे में स्टडी करने लग गए, बात चल रही है इतिहासकारों की, तो आपके माइंड में ये नहीं आता क्या कि इतिहासकारों को पता कैसे चलता है कि इतनी तारीख को औरंगजेब मरा था। जैसे आपको पता है कि 1707 ईस्वी में ऐसे माना जाता है कि औरंगजेब मरा था, और औरंगजेब की मृत्यु ही क्या बनी थी, मुख्य कारण बनी थी अंग्रेजों का यहाँ पर शासन करने का। औरंगजेब की जैसे मृत्यु होती है वैसे अंग्रेज जो है वो बलवान होने लगे थे और यहाँ पे वो शासन करने के लिए धीरे धीरे पैर पसारने लगे थे। ठीक है, तो ऐसे में क्या आपको ये डाउट नहीं आता कि इतिहासकारों को कैसे पता चलता है? तो सिंपल सी बात है कि इतिहासकार क्या करते हैं कि पुरानी चीज़ों को देखते हैं, पुरानी चीज़ों को, उन्हें कहीं खुदाई होती है तो कुछ प्रमाण मिल जाते हैं, कुछ सिक्के मिल जाते हैं, उनके बारे में जानकारी मिल जाती है, या फिर जो पुराने राजा महाराजा थे तो उनके दरबारी कवि जो थे उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, उनसे पता चल जाता है, पुरानी पत्रिकाएं उस समय छपा करती थी यानी अखबार टाइप से जो छपा करते थे उनसे पता लग जाते हैं। और अंग्रेजों के काल में तो स्पष्ट जानकारी मिलती है क्योंकि अंग्रेजों की एक जो है आदत हुआ करती थी, ऐसा मान सकते हैं कि अंग्रेज जब भी कोई काम करते थे, जब भी कोई निर्णय लेते थे, जब भी कोई राज्य का लेन देन होता था, जब भी कोई सहमति होती थी तो लिखा पढ़ी किया करते थे। लिखा पढ़ी का मतलब क्या है, अंग्रेजों का मानना था कि जो हम मान लीजिए कि ये राजा है, इस राजा और अंग्रेजों के बीच में कोई डील हो रही है कि हम आपको जो है 70 लाख रुपए महीने का देंगे, आप अपना राज्य जो हमारे को सौंप दो क्योंकि आप जो है हमारी मांग की पूर्ति नहीं कर रहे हो, ऐसा हुआ करता था। उसको हम आगे आगे समझेंगे, स्टोरी जब पूरी पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। तो इनके बीच में जब डीलिंग हुई तो इसने अपना राज्य तो दे दिया, लेकिन ये राजा बाद में अपनी बात से मुकर ना जाए इसलिए अंग्रेज क्या किया करते थे, एक दस्तावेज बनाते थे, उसमें अपनी बात लिख लिया करते थे और यहाँ पे एक डब्बा होता था और कहते थे राजा साहब या तो यहाँ पे अंगूठा लगा दो या फिर यहाँ पे साइन कर दो, ये है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि लिखा हुआ तो व्यक्ति कभी मुकर नहीं पाएगा ना, अंग्रेज कह देंगे ये देखो राजा साहब आपके साइन है, ठीक है ना। और मैंने देखा है कि आप भी करते हो, जब आपको पेरेंट्स कहते हैं ना, सिंपल सी बात, हमारे यहाँ भी कई सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इस तरह के कि आप भी ऐसा करते हो कि आप पेरेंट्स आपको कहते हैं कि इस बार अगर आप फर्स्ट आओगे ना तो हम आपको साइकिल दिलाएंगे, हम आपको मोबाइल फ़ोन दिलाएंगे, हम आपको जो है बाइक दिलाएंगे, गाड़ी दिलाएंगे। जब ऐसा कुछ करते हैं तो आप क्या करते हो, फटाफट से पेज पर लिख लेते हो और कहते हो पापा अपनी शर्त पर साइन कर दो, अगर मैं फर्स्ट आ गया तो पक्की बात है दिलाओगे क्या, तो पापा कहते हैं दिलाऊंगा, तो आप कहते हो लो फिर यहाँ पे साइन कर दो, या तो अंगूठा लगा दो या साइन कर दो, ताकि ऐसे ना हो कि जिस दिन रिजल्ट आए आप अपनी बात से मुकर जाओ। आप करते हो ना ऐसा, तो वैसा ही अंग्रेज किया करते थे। अब अंग्रेजों के बीच में, राजा और बीच में कोई संधि हुई, ये पेज मिल गया इतिहासकार को, तो इतिहासकार को सब समझ में आ गया कि इतनी तारीख को इसके बीच में इस तरह की संधि हुई थी और इतिहासकार ने अपनी बुक में छाप दिया कि इस दिन ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो है इतिहास के स्रोत, यानी इतिहास के स्रोत क्या है, इतिहास कहाँ से आता है, इतिहासकारों को इतिहास के बारे में पता कैसे चलता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो 8th क्वेश्चन है वो डाल लीजिए कि इतिहासकार इतिहास लिखने के लिए कौन कौन से स्रोतों का उपयोग करते हैं,
कौन कौन से स्रोतों का उपयोग करते हैं। फटाफट से क्वेश्चन लिख लीजिए। इतिहासकार इतिहास लिखने के लिए कौन कौन से स्रोतों का उपयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि इतिहासकार इतिहास लिखने के लिए निम्न स्रोतों का उपयोग करते थे। तो वो कौन कौन से स्रोत हुआ करते थे। सबसे पहला तो स्रोत हो गया अभिलेख, लेकिन अभिलेख कौन लिखेगा, सरकारें लिखेंगी, तो इसको बोला जाता था सरकारी अभिलेख। और अभिलेखों का मतलब आप समझ गए, अभिलेखों का मतलब है कि कोई भी अगर कोई भी निर्णय अगर सरकार लेती थी, कोई भी अगर फैसले लेती थी, कोई भी वाद विवाद होता था, कोई भी निर्णय लिया जाता था, कोई भी यानी कि एक दूसरे से हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे से कोई भी सहमति बनती थी या एक दूसरे से कोई भी असहमति बनती थी, तो सारी की सारी चीज़ें अंग्रेज जो है वो लिख दिया करते थे सरकारी अभिलेखों में। यानी कि अभिलेखों में लिख दो, क्योंकि अंग्रेजों का ये मानना था कि इस तरह से चीज़ों को लिख करके रख लेना चाहिए, ताकि बाद में अगर कभी भी अध्ययन किया जा सके तो अध्ययन में सुगमता आए, सरलता से अध्ययन इसका किया जा सकता था, क्योंकि हमने चीज़ों को लिख रखा है तो हमें साफ साफ सारी चीज़ें पता है कि इतनी तारीख को भारत आज़ाद हुआ था, इतनी तारीख को हमारा संविधान बना था, सारी की सारी चीज़ें हमें याद है, ठीक है। अब ऐसे में क्या है कि इन सरकारी अभिलेखों को एक जगह पर इकट्ठा करके सुरक्षित रखा जाता था। ऐसा तो नहीं लिख करके कहीं भी रख दिया, तो ऐसे में अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह पर पड़ी रहेंगी तो वो हमें अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो ऐसे में क्या था कि इन सरकारी जो अभिलेख होते थे उनको एक स्पेशल जगह पर रखा जाता था, जिसको है अभिलेखागार या संग्रहालय कहा जाता था। संग्रहालय तो आपको पता है, संग्रहालय क्या होता है, जहाँ पर कई सारी चीज़ों का संग्रह किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, संग्रहालय। तो आप क्या कहेंगे कि इन अभिलेखों को, इन सरकारी दस्तावेजों को, सरकारी दस्तावेज भी आप कह सकते हैं, सरकारी अभिलेखों या सरकारी दस्तावेजों को संग्रहालय या फिर अभिलेखागार में सुरक्षित रखा जाता था, ताकि ये जो है एक जगह पर सुरक्षित रखा जा सके, इनको लंबे लंबे समय तक इनको जो है वो सुरक्षित रखा जा सके। और इनको लिखने का ऐसे नहीं है कि हर कोई इनको लिख देता था, कुछ स्पेशल व्यक्ति होते थे जो इन चीज़ों को लिखा करते थे, जिनको क्या बोला जाता था, जिनको खुशन विषी या फिर आप ये कह सकते हो कि सुलेखन विष कहा जाता था। क्या कहेंगे हम कि सरकारी अभिलेख जो थे उनको लिख करके एक जगह पे सुरक्षित किया जाता था, जिसे अभिलेखागार या संग्रहालय कहा जाता था। और इनको लिखने वाले भी स्पेशल व्यक्ति होते थे, और इन सरकारी अभिलेखों को जो लिखते थे उन्हें खुशन विषी या सुलेखन विष कहा जाता था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि सरकारी अभिलेख तो होते थे, इसके अलावा अंग्रेज जो थे अलग अलग समय पर सर्वे करवाते थे। अंग्रेज अलग अलग समय पर सर्वे करवाते थे, जिसको क्या बोला जाता है, सर्वेक्षण बोला जाता है। तो ये भी हो जाएगा हमारे दूसरे स्रोत, सर्वेक्षण। और जो सर्वेक्षणों की जो रिपोर्ट बनती थी उनको जो है इन रिपोर्टों को भी संभाल करके रखा जाता था। अब आप कहेंगे ये सर्वेक्षण क्या है, तो आपने देखा होगा, आपने सर्वे करते हुए कई लोगों को देखा होगा, और वो सर्वे होता है ना, उसी को हिंदी में क्या बोला जाता है, सर्वेक्षण बोला जाता है। सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है, अनेक चीज़ों के बारे में अध्ययन करना और उसकी रिपोर्ट तैयार करना। जैसे आपने कई सारे सर्वेक्षण देखे होंगे कि सर्वे होता है कि भारत में कई सारे सर्वे होते हैं कि बताइए आपके परिवार में कितने लोग हैं, कितने लोग सुरक्षित हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो इस तरह के साक्षरता सर्वेक्षण जैसे कई सारे सर्वेक्षण भारत में होते हैं। और आपने देखा होगा कि कई लोग आई कार्ड पहना हुआ होता है और आपसे कई सारे सवाल करते हुए रजिस्टर लेकर के आपने देखा होगा कि घरों घरों गलियों गलियों में घूमते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो सर्वेक्षण कर रहे होते हैं कि हकीकत में क्या हो रहा है, सरकार को ऊपर बैठे को कैसे पता चलता है,
उसको यही तो पता चलता है, सर्वेक्षण के माध्यम से ही तो पता चलता है कि भारत में क्या चल रहा है, कैसे लोग फील कर रहे हैं। तो इन सभी के बारे में कैसे पता चलता है? सर्वेक्षण से। कितने लोग पढ़े हुए हैं, किन लोगों की कितनी आय है, इन सभी के बारे में सर्वेक्षण से पता चलता है। कितने लोग कोई बीमार तो नहीं है क्या? अभी आपको पता है कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में भी काफ़ी सारे जो लोग थे, स्पेशली जो सदस्य थे, जो सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के सदस्य थे, उन्होंने कई प्रकार के सर्वे किए आपके घर घर में आकर के, कि कोई बीमार तो नहीं है क्या, किसी को बुखार तो नहीं है क्या, किसी को कोरोना से रिलेटेड कोई लक्षण तो नहीं है क्या। तो ये सारा जो सर्वे था उसी को क्या मान सकते हैं हम? सर्वेक्षण। तो अंग्रेज भी कई तरह के सर्वेक्षण करवाया करते थे और उनकी बकायदा एक रिपोर्ट तैयार होती थी और इस रिपोर्ट को संभाल करके रखा जाता था और इतिहासकार इन्हीं रिपोर्टों के माध्यम से, इन्हीं सरकारी अभिलेखों के माध्यम से क्या तैयार करते हैं? इतिहास तैयार करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और तीसरा स्रोत जो है वो है अन्य स्रोत, यानी इतिहासकारों के हाथ कभी कभार किसी खास व्यक्ति की डायरी लग जाती है कि किसी जो कोई खास व्यक्ति रहा उसने कोई डायरी लिखी और डायरी में कुछ लिखा कि इस दिन अंग्रेजों ने ये कहा, इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इस दिन मैं इधर जा रहा था तब मैंने ऐसे देखा, तब मैंने ऐसे देखा कि अंग्रेज लोग जो इस तरह का जुल्म ढा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चल जाती है? अनेक लोगों की किसी ने अपनी आत्मकथा लिखी हुई है। आत्मकथा यानी कि अपनी ज़िंदगी की कहानी अगर कोई लिखता है तो उसे आत्मकथा बोली जाती है। तो किसी खास व्यक्ति की आत्मकथा मिल गई हमें, किसी की डायरी मिल गई, पुराने अखबार मिल गए। पुराने अखबार, आपको पता होगा कि जब भगत सिंह हुआ करते थे तो उस समय में, या जो आज़ाद हुआ करते थे तो उस समय में, चंद्रशेखर आज़ाद, तो उस समय में अखबार छपा करते थे। तो अगर उस ज़माने के अखबार हमें मिल जाए, उस समय में क्या न्यूज़ छपा करती थी, उस न्यूज़ को पढ़ करके कितनी तारीख का अखबार है, कितनी तारीख को उन लोगों को फांसी दी गई, कितनी तारीख को जो है उनको पकड़ा गया, क्या कुछ किया गया, तो वो सारी जानकारी हमें किससे मिल सकती है? अखबार से मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, अखबारों से मिली हुई जानकारी कई कई बार अखबारों से मिली गई जानकारी असली जानकारी से बहुत दूर हमें ले जाती है। क्यों ले जाती है? क्योंकि आपको पता है अखबारों में क्या लिखते हैं, एडिटर्स बढ़ा चढ़ा करके लिखते हैं, तो अखबारों में चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है। बाकी अखबार भी एक स्रोत माने जा सकते हैं। तो चलिए फिर, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। मेन पॉइंट्स हमारे ये रहे। अब इसमें लिखना क्या है वो फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन आपने लिखा हुआ है, इसका आंसर लिखते हैं। तो फटाफट से आप लिखेंगे कि इतिहास के स्रोत निम्न प्रकार से हैं। पहला स्रोत क्या हो जाएगा? सरकारी अभिलेख। पहला स्रोत सरकारी अभिलेख, उसमें क्या लिखेंगे कि अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी अभिलेख इतिहास का महत्वपूर्ण साधन है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा जो सरकारी अभिलेख तैयार करवाए गए वो हमारे लिए इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। उससे हमें इतिहास के बारे में बहुत जानकारी मिलती है कि इस दिन अंग्रेजों ने ये राज्य हड़प लिया, इस दिन इन्होंने ये राज्य हड़प लिया, तो इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद आप लिखेंगे कि अंग्रेजों की मान्यता थी कि हर फैसले हर निर्देश हर योजना हर सहमति या असहमति जांच आदि को साफ साफ लिखना आवश्यक है। अंग्रेजों की मान्यता थी कि इन सारी चीज़ों को साफ साफ लिखना आवश्यक है ताकि कभी भी चीज़ों का भली भांति अध्ययन किया जा सके, ताकि कभी भी चीज़ों का भली भांति अध्ययन या आसानी से अध्ययन किया जा सके। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप लिखेंगे कि इन सरकारी अभिलेखों को अभिलेखागार या संग्रहालय में सुरक्षित रखा जाता था, या तो अभिलेखागार में या फिर संग्रहालय में सुरक्षित रखा जाता था, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे कि इन सरकारी अभिलेखों को लिखने वाले लोगों को, ये जो सरकारी अभिलेख लिखते थे ना, उन लोगों को खुशनविशी या सुलेखनविश
कहा जाता था, खुशन विषि या फिर सुलेखन विष कहा जाता था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। पहले में क्या लिखेंगे, सरकारी अभिलेख में क्या लिखेंगे। सेकेंड आप हेडिंग डालेंगे सर्वेक्षण, सेकेंड आप हेडिंग डालेंगे सर्वेक्षण। अंग्रेजी शासन के दौरान अनेक प्रकार के सर्वेक्षण कराए गए थे, अनेक प्रकार के सर्वेक्षण कराए गए थे, अनेक प्रकार के सर्वेक्षण करवाए गए थे। जैसे आप लिखेंगे, जैसे राजस्व सर्वेक्षण, राजस्व का मतलब होता है कि कितना टैक्स सरकार वसूल रही है, उसका सर्वेक्षण कराया गया था। दूसरा है जनगणना सर्वेक्षण, जनता की गणना की गई थी कि भारत में कितने लोग रहते हैं, घर घर लोगों ने आकर के पूछा था कि बताइए आपके कितने सदस्य हैं, कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं, कितने भुएं हैं, कितने क्या कुछ है, सब कुछ, ठीक है। तो जनगणना सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक, ये फिर सिंपल आप लिख सकते हैं, दो तीन सर्वेक्षण के हमने उदाहरण देने, आपकी बुक में तो है नहीं। वानस्पतिक सर्वेक्षण आदि, वानस्पतिक सर्वेक्षण यानी कि कितने पेड़ पौधे हैं, कितने कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं। देखिए कितना अजीब टाइप का सर्वेक्षण है ये, लेकिन है बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब तक हमें नहीं पता होगा तब तक हम ये कैसे बता पाएंगे कि भारत में जो है कितनी प्रजातियां रहती। अब भूगोल में पढ़ते हैं ना कि भारत में इतनी प्रकार के पौधों की प्रकृति पाई जाती है, इतने प्रकार की पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, तो वो कैसे पता चलता है, सर्वेक्षण से पता चलता है। आपने देखे होंगे कि जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं या पंजाब साइड में आपने ज़्यादा देखा होगा कि पेड़ों पर क्या लिखा होता है, वाइट कलर करके पेड़ों पर संख्या लिखी होती है, पेड़ों पर संख्या लिखी होती है वाइट कलर करके। वो किस लिए, उनकी गिनती की गई होती है कि अगर बीच में से कोई पेड़ काटता है तो उन्हें पता चल जाता है। ये सब जो है ये किस में आते हैं, वानस्पतिक सर्वेक्षण आदि के द्वारा ये चीज़ें चलाई जाती हैं। पहले वो सर्वे करते हैं, फिर वो देखते हैं कि कहाँ वन ज़्यादा है, कहाँ पर वनों की कमी है, कहाँ पर जो है वन और लगाए जाने चाहिए, कहाँ पर वन संकट में है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो सर्वेक्षण का मतलब आपको पता चल गया। क्या आप लिखेंगे कि अंग्रेजी शासन के दौरान अनेक सर्वेक्षण कराए गए, उदाहरण राजस्व सर्वेक्षण, जनगणना सर्वेक्षण, वानस्पतिक सर्वेक्षण आदि। इन सर्वेक्षणों की रिपोर्टों से भी इतिहासकार अनेक जानकारियां प्राप्त करते हैं, इतिहासकार अनेक जानकारियां प्राप्त करते हैं। लास्ट ही क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिए, इसके बाद बस एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद कंप्लीट। अन्य स्रोतों में आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे अन्य स्रोत, इसमें लिखेंगे कि देखिए सरकारी अभिलेखों से या सर्वेक्षणों से तो हमें ये पता चलता है कि सरकार उस समय क्या सोचती थी, लेकिन एक्चुअल में जनता क्या सोचती थी ये हमें कैसे पता चलेगा। हम किसी जनमानस यानी किसी आम व्यक्ति की जब कोई डायरी पढ़ेंगे या और उनकी जो किसी ने आत्मकथा लिखी उनके बारे में पढ़ेंगे, किसी गरीब व्यक्ति ने कुछ लिख दिया उसकी गरीबी के बारे में हमें पता तभी चलेगा ना, जब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, यानी अन्य स्रोतों से हमें जानकारी प्राप्त होगी। तो आप लिखेंगे अन्य स्रोतों में, जन सामान्य के विचारों को जानने के लिए अन्य स्रोतों का भी प्रयोग इतिहासकारों द्वारा किया जाता था, अन्य स्रोतों का प्रयोग भी इतिहासकारों द्वारा किया जाता था। ये आपको लिखना है, इतिहासकारों द्वारा किया जाता था, जिनमें लोगों की डायरियां, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथा, पुस्तकें, अखबार आदि महत्वपूर्ण थे। यानी किसी ने पुस्तक लिख डाली, किसी ने अखबार, यानी कि अखबारों से तो जानकारी मिलती ही है, पुस्तकें, अखबार आदि महत्वपूर्ण थे। तो चलिए फिर, क्वेश्चन हमारा नाइन्थ कंप्लीट हो गया, एट्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप कहेंगे नाइन्थ क्वेश्चन में और क्या बच गया, तो सब कुछ हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। नाइन्थ क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक का ही एक क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में ये सब चीज़ें तो हमने कवर कर ली है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बचता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस थे हमने यहाँ पर इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बीच में से, आगे से, पीछे से, बोर्ड के एग्जाम में इन क्वेश्चंस के अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता, ये आप मान करके चलिए। अगर इनके अलावा कोई क्वेश्चन बनता है, यानी कि बड़े क्वेश्चन से छोटा क्वेश्चन बना दिया, जैसे लिख दिया कि अभिलेख को लिखने वाले को क्या कहते थे, तो खुशन विषि कहते थे, सुलेखन विषि कहते थे, यानी कि
भाषा चेंज हो सकती है लेकिन इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता वो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं फटाफट से, आपको लगाना है, आपको जो है सॉरी रिक्त स्थान नहीं है, सही और गलत बताइए वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें आपको सही या गलत बताना है। तो आप फटाफट से, क्योंकि आपने चैप्टर को समझा है, तो आप फटाफट से इन क्वेश्चंस को लगाएंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पहला सही है क्या या पहला गलत है क्या, दूसरा सही है क्या या दूसरा गलत है क्या। तो इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इनके आंसर आपको नहीं मिलेंगे। कमेंट करके आप बताओगे और आपका क्वेश्चन सही है या नहीं है, ये हमारी टीम आपको दोबारा से रिप्लाई करके बताएगी कि हाँ आपने सही आंसर किया या गलत आंसर किया। ये ट्राई कीजिएगा, जब आप हमारे साथ इंटरेक्ट होते हैं तो आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। तो चलिए फिर यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा जो 9th है उसका फर्स्ट पार्ट आपको सही या गलत बताना है। पहला कथन ध्यान से देखिए और फिर आपको इसमें सही या गलत बताना है कि ये सही है या गलत है। कमेंट करके बताना है, फिर आपको रिप्लाई मिलेगा कि ये सही है या नहीं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू मुस्लिम और ईसाई व ब्रिटिश शासन लिख लीजिए हिंदू मुस्लिम व ब्रिटिश शासन कालखंडों में बांटा था। ऐसा था क्या, बताइए क्या जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को इन्हीं 3 कालखंडों में बांटा था क्या? सबसे पहले हिंदू, दूसरे मुस्लिम और तीसरे ब्रिटिश शासन। आपको बताना है कि ये सही है या गलत। क्या जेम्स मिल ने इसी प्रकार से विभाजित किया था या नहीं किया था? आपको बताना है कि जो मैंने लिखा है वो सही है या गलत लिखा है। तो आपको यहाँ पर एक टिक करना है, या तो सही या फिर गलत, आप बताएंगे कि फर्स्ट सही है या गलत। दूसरा देख लीजिए, दूसरा है कि सरकारी दस्तावेजों लिख लिया हमने इनको पहले ही, देख लेते हैं। तो सेकंड हमारा क्या है कि सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं, ये सही है या गलत है। आप बताइए कि सरकारी दस्तावेज किसके द्वारा लिखे जाएंगे? सरकारों द्वारा। तो सरकारों द्वारा जो लिखा जा रहा है उसे हमें ये कैसे पता चलेगा कि आम लोग क्या सोच रहे हैं? तो आप बताइए कि क्या ये सही है या गलत कि सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं, क्या ऐसा होता है क्या? अब आपको बताना है कि ये सही है या गलत है, कमेंट करके बताना है। चलिए अब थर्ड जो है वो है, अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह से शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल, आपको ये बताना है कि क्या अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि सर्वेक्षण कराने जरूरी हैं। अब हमें पता है कि अंग्रेजों ने तो सर्वेक्षण करवाए थे, ऑब्वियस ही बात है कि ये लगता होगा तभी तो सर्वेक्षण करवाए थे। तो ये 3 क्वेश्चन हैं आपके होमवर्क, ये क्वेश्चंस आप करके जो है कमेंट बॉक्स में इनका आंसर हमें देंगे और इससे आपका जो है चेक हो जाएगा कि आपने वीडियो को कितने अच्छे तरीके से देखा है, कितने अच्छे तरीके से समझा है। तो चलते हैं, किन किन लोगों के कमेंट आते हैं देखेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही मज़ेदार चैप्टर्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।